हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी के एक और लर्निंग वीडियो में। तो अपने को बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 40,655 की, जो कि कल की क्लोजिंग से 267 पॉइंट प्लस में ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है सॉरी। तो अब अपन चलते हैं चार्ट पे। ये 15 मिनट का चार्ट है, अपन इसको ट्रांसलेट करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन एनालाइज करेंगे, जैसे कि अपन रेगुलर वीडियोज़ में करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी की ओपनिंग, ठीक है, 9:15 की कैंडल, ये मार्केट ओपन होता है फ्लैट, ठीक है, ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर अपन फिर भी देखें तो मार्केट ओपन हुआ था समथिंग अबाउट ये लेवल से, ठीक है, यहीं पे मार्केट ओपन होता है अराउंड 150 पॉइंट प्लस में ओपन होता है, ठीक है। वो 5 मिनट की कैंडल जो फर्स्ट कैंडल होती है वो रेड कैंडल ही बनती है, ठीक है, जैसे कि आप सब देख सकते हो ये 5 मिनट की रेड कैंडल है। उसके बाद में अपन ने एक ट्रेंड लाइन बना के रखी थी, कल मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन भी। ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखो, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर आज के देखो यहाँ से मार्केट ने फिर कल ब्रेकआउट दिया, फिर वापस मार्केट यहीं से सपोर्ट लेता है, ठीक है, और फिर ये अपनी ये ट्रेंड लाइन है जो वर्क कर रही है काफ़ी अच्छे तरीके से। मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। हाँ, अब देखते हैं अपन, ये देखो मार्केट आता है, ओपन होता है, ऊपर नीचे आता है, ठीक है, रेड कैंडल बनाता है, उसके बाद ग्रीन कैंडल एक बाइंग आती है, अच्छी बाइंग आती है वो भी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है, वापस इसी जोन से अपने जो ट्रेंड लाइन है वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है, और वहाँ से फिर ये जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है ना उसी के अंदर ही देखो मार्केट ये यहाँ पे रेंज बना रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो अपन ने जोन बना रखा है ना, सपोर्ट, एज ए सपोर्ट बोल सकते हैं इसको, जोन बोल सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने देखो एकदम कंफर्म यहाँ पे शानदार हैमर कैंडल बनाई है, एज यू कैन सी, जैसा कि मैं ये इसको हटा देता हूँ, आपको क्लियर दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने बनाई है एकदम अच्छी से हैमर कैंडल, सॉरी ये कैंडल देखो वो भी एकदम सपोर्ट लेवल पे है, ये साफ इंडिकेट कर रही है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर अपन इस कैंडल में ट्रेड लेते, ठीक है, तो इसके नीचे का देखो, इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज होना था, ठीक है, तो और नीचे का स्टॉप लॉस आ जाता। ये कैंडल कितनी बड़ी है देखो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देते हैं अपन सारा। ये कैंडल अपनी ये अराउंड 130 पॉइंट की, उसके ऊपर अपने को देखो मार्केट में वोलेटाइल ज़्यादा है ना, ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल है, तो उस अपने को उसमें टारगेट भी बड़ा मिलेगा, स्टॉप लॉस भी अपने को बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अराउंड 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेंगे, जो कि हैमर कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है, लेकिन मार्केट क्या करता है, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं करता है, वापस आके इन्वर्टेड हैमर बना देता है। उसके बाद एक वापस शानदार बाइंग आती है, इनको हटा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे वापस ये अच्छी बाइंग आती है सेम इसी जोन से, देखो देख सकते हो आप कैंडल, तो अपन इस ये कैंडल क्रॉस करते हैं, ये जो ये ग्रीन वाली कैंडल है ना, ये क्रॉस करते हैं अपन यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। तो ये देखो अच्छे खासे पॉइंट मिल जाते हैं आपको इसमें, आपको बता देता हूँ, सॉरी, ये देखो अपन कहाँ ट्रेड लेते हैं, यहाँ ट्रेड लेते हैं, ठीक है। मार्केट का फर्स्ट टारगेट था ये 100 पॉइंट्स का, मार्केट ने हल्का सा कंसोलिडेट किया, और उसके बाद देखो 200 पॉइंट्स का अपना टारगेट होता, ठीक है, और 100 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस होता, 1:2 आराम से मिल जाता, ठीक है। अब अपन वेट करते हैं, मार्केट चल रहा है एक रेंज में, ठीक है, ये रेंज थी, सॉरी ये रेंज है और ये रेंज है, इस रेंज का सपोर्ट ले रहा है मार्केट, प्लस ये ट्रेंड लाइन बनाई अपन ने, इसका सपोर्ट ले रहा है, प्लस ये ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। हाँ, अब देखो इसके बाद में मार्केट क्या करता है, पूरे दिन इम्पल्सिव मूव देता है। देखो मार्केट जाता है, यहाँ से अपने ये मूव कैप्चर किया, अप डाउन मार्केट चल रहा था पूरे दिन, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई, ये हायर हाई, ये हायर लो, ठीक है, तो अपने पास पैटर्न निकल के आ रहा है, आप समझ गए होगे, फिर भी बता देता हूँ। देखो ये अपने पास पैटर्न कौन सा बन रहा है,
ये कौन सा पैटर्न बन रहा है अपने पास, और फिर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है, ये पैटर्न है अपना राइजिंग वेज का पैटर्न। ठीक है, ये राइजिंग वेज पैटर्न है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, देखो मार्केट इंपल्सिव मूव दे रहा है, इसमें तो ट्रेड करना ठीक है, ले सकते थे अपन यहाँ से बाई किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ से सेल किया, यहाँ पे बाई किया। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो उसके बजाय अपने को एक मूवमेंट यहाँ मिल गया, अच्छा खासा समथिंग अबाउट 200 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल गया। उसके बाद अब पैटर्न बन रहा है यहाँ पे इंपल्सिव मूवमेंट, बीच में एंट्री लेने में कोई मतलब वाली बात है नहीं, तो यहाँ से मार्केट देता है ब्रेक डाउन। ठीक है, अगर आप अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एंट्री अपने को कैसे मिलती है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो 1 मिनट, 5 मिनट मैं खुद यूज़ करता हूँ, जो मेरे को काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब देखो यहाँ पे मार्केट बना रहा है ट्विजर टॉप, डबल इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, वो भी रेजिस्टेंस लेवल पे। ये जो अपना जोन है, ये जो मैंने बना के रखा है, ये अपना जो जोन है ना, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा। और यहाँ पे मार्केट देखो सेम टाइम पे ये इसी जोन पे आके, मतलब रेजिस्टेंस पे आके यहाँ से एक रिवर्सल देता है। ठीक है, अच्छी खासी शानदार रेड कैंडल बनाता है, जो कि कैंडल कितनी है, एक प्योर मारुबुजू कैंडल है। ठीक है, 33 पॉइंट की है। उसके बाद अपन यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, अपने को इंडिकेशन मिला है कि मार्केट डाउन जाने वाला है। ठीक है, यहाँ से मार्केट आया, वापस रिवर्सल लिया। ठीक है, एज ए रिटेस्ट बोल सकते हैं अपने इसको। ठीक है, वहाँ से मार्केट वापस, ये देखो ये कैंडल बनाई, इसमें नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है, और ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है यहाँ पे, आप आराम से देखो, मैं आपको बता देता हूँ, इनको भी हटा देता हूँ, मैं एक बार वॉल्यूम्स को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो मार्केट यहाँ पे बना रहा है इन्वर्टेड हैमर, वापस सेम जगह है। यहाँ से मार्केट अब क्या करेंगे अपन, इसके नीचे कैंडल क्लोज दे देगा। ठीक है, यहाँ से आया मार्केट, नीचे क्लोजिंग दे दी, रिटेस्ट मारा, शानदार मूवमेंट मिला एकदम, जो कि कितने पॉइंट का है, वापस 5 मिनट पे आ जाते हैं अपन। देखो अपन प्राइस एक्शन के बेसिस पे काम करते हैं, प्राइस एक्शन मार्केट में सुप्रीम है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एंट्री लेते हैं, अपन एंट्री लेते हैं समथिंग अराउंड ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और मूवमेंट कितना है, वही 200 पॉइंट्स का वापस मूवमेंट अपने को देखने को मिल रहा है, जो कि अपन ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर सकते थे कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेगा। देखो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको इसको, और फिर मार्केट ये देखो सीधी ट्रेंड लाइन बनाई जाती है। अपने को 2 पॉइंट्स मिल गए ना, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, तो अपन इसको मिला के ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं लेता तो अपना सेकेंड टारगेट ये रहता जो अपने पास ये सपोर्ट जोन बना हुआ है। उसके बाद वापस मार्केट एक अच्छा मूवमेंट देता है। ठीक है, तो अपने को दो मूवमेंट मिल गए, एक कॉल की साइड, एक पुट की साइड। अब बात करते हैं कल के मार्केट के बारे में, कल क्या है, कल है 1 फरवरी। ठीक है, तो कल आने वाला है बजट, तो एज पर डाटा मार्केट कल बहुत ही ज़्यादा ट्रैपिंग वाला होने वाला है, रेंज बाउंड होने वाला है। फॉर देखो मैं बताता हूँ, जब तक अपने सीतारमण जी स्पीच देंगे ना, तब तक मार्केट क्या रहेगा, वोलेटाइल रहेगा। उनके हर बात पे कभी अगर वो अच्छी बात बोलेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर वो बात सही नहीं, मतलब थोड़ी नेगेटिव बात बोलेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, उनका स्पीच ख़त्म कब होता है, उनका स्पीच समथिंग अराउंड देखो 12:30 के समथिंग उनका स्पीच ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उनका स्पीच ख़त्म होता है 12:30 के समथिंग। तो आप पहले के भी चार्ट में देखना जाके, 1 फरवरी का जिस दिन बजट वाला डे होता है, उस दिन अपने को मोमेंट मिलता है, एक वन वे मोमेंट मिलता है 12:30 से लेके 12:45 के बीच में एक मोमेंट स्टार्ट होता है, जो कि डे के एंड तक चलता रहता है, एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता है अपने को। ठीक है, तो अपन उसी मोमेंटम को कैप्चर करेंगे। ठीक है, जब तक स्पीच चल रही होती है उसके बीच अपन कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। अगर अपन ट्रेड करेंगे तो अपन क्या होंगे, ट्रैप हो जाएंगे वहाँ पे, अपने पास वापस से
ट्रेड करने का कैपिटल नहीं रहेगा। अगर अपने को बाद में अपॉर्चुनिटी भी मिलती है तो अपने पास ट्रेड करने के लिए कैपिटल नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा है कि अपन ट्रेड ही ना करें, समथिंग अराउंड 12:30 से 12:45 के बीच में जो भी अपने को मोमेंटम मिलता है, जिस साइड मोमेंटम मिलता है उस साइड का अपन ट्रेड लेंगे, ठीक है। कल का मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाला है, प्लस परसों एक्सपायरी है, उसमें अगर को अपन कल अपने को ट्रेड नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, परसों एक्सपायरी है उसमें अच्छा पैसा बन जाएगा। परसों भी मार्केट मोमेंटम देने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। देखो और एक बात मैंने और बताई थी आपको, वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना अपन, वन डे का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। हाँ ये देखो मैंने क्या बोला था, मार्केट में काफ़ी फॉल आ चुका है, अब एक रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। एज़ पर माय प्रिडिक्शन यहाँ पे एक रिवर्सल आया, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। अब कल जो अपने पास जोन भी बनेगा, देखो जैसा स्पीच चलेगा ना तब उसके बीच में एक जोन बनेगा, उसके अंदर मार्केट ट्रेड करेगा। स्केल्पिंग के लिए अच्छा हो सकता है, ट्रेपिंग होगी उसमें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी अपने को कंट्रोल में करना पड़ेगा, उससे अच्छा है अपन बाद में ट्रेड कर लेंगे, कब 12:45 के बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहता है। तो एज़ पर आवर प्रिडिक्शन मार्केट दो दिन वापस थोड़ा बाउंस बैक मिला अपने को, उसके बाद वापस मार्केट अब कल ट्रेवल करने वाला है और उसके बाद में आने वाली है एक्सपायरी, तो ध्यान से ट्रेड करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।